हिंसा से कुछ नहीं मिलता, सब कुछ खत्म हो जाता है, अहिंसा से बहुत कुछ मिल जाता है, आजादी मिली ना हमें। तो उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, हमारे देश को आजाद करने में सबसे बड़े लीडर के रूप में वो थे, उन्हीं का दिन है कि जो आज हमारा देश आजाद है। वो यही बोलते थे कि अगर किसी व्यक्ति को अगर एक हाथ गाल, जो बहुत ज्यादा फेमस है कि कोई एक हाथ गाल पे मारे एक हाथ, तो दूसरा भी उसको दे दो, अपने आप उसको शर्म आ जाएगी। मैं अपने आप को पहले उनके बताए रास्ते पे चलूं, ताकि एक मैसेज लोगों को जाए कि बदलाव कैसे आता है, खुद अपने आप को ढलेंगे तब बदलाव दिखेगा। जैसे सबसे ज्यादा जो मुझे अच्छी लगती है उनकी, एक तो स्वच्छ भारत और दूसरा ये सबसे अच्छी लगती है, ना बुरा देखो ना बुरा बोलो और ना ही बुरा सुनो। लाठी लेके चला था एक और उसके पीछे सारी दुनिया चली, इसलिए उनको महात्मा गांधी कहा गया। जब वो थे उन्होंने हमारे देश को आजाद करने में बहुत मदद की है, उनकी वजह से आज हम इतने आजादी से घूम फिर पा रहे हैं, नहीं तो क्या ये भी हो सकता था कि हम अभी भी अंग्रेजों के शासन में जी रहे होते। आंखें बदले आंखों सब, एक दिन पूरा देश अंधा हो जाएगा। लास्ट में वो भी बोले थे कि डू और डाई, लेकिन उनका बोलने का सेंस जबरदस्ती करना नहीं था, डू और डाई मतलब अपने देश के लिए करो अहिंसा पूर्वक, अपने शब्दों से अपने कर्मों से किसी इंसान को मतलब छोटा फील कराना, ना कि मार कर किसी और चीज के। Thank you.